नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। अभी तक हमने 5 मेथड सीखे हैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के, समझ आई बात। कितने मेथड? 5। कौन कौन से? एक छोड़ के ना 6 मेथड सीख चुके हैं बेसिकली। एक कौन सा मेथड? नंबर 1, जब ऑल 3 साइड्स आर गिवन टू अस। अगर हमको ट्राइंगल के तीनों साइड बता दे तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया। दूसरा, 2 साइड बता दे और दोनों साइड के बीच बनने वाला एंगल बता दे, तो भी हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन देख लिया। तीसरा, ट्राइंगल का एक साइड बता दे, साइड बताना मतलब लेंथ, और उस पर बनने वाले 2 एंगल। एक बेस बता दे और बेस के दोनों एंड पर बनने वाले 2 एंगल, तो भी हम ट्राइंगल बनाना सीख गए कैसे बनाते हैं, ठीक है। 3 हो गए, कितने हो गए? 3 हो गए ना। चौथा हमने क्या देखा? हमको एक बेस बता दे, बेस पर बनने वाला एक एंगल बता दे और 2 साइड का सम बता दे, समझ आया। क्या क्या बता दे? एक बेस बता दे, बेस का लेंथ, एक बेस पर बनने वाला एंगल बता दे और बाकी के जो 2 साइड हैं उसका सम बता दे, तो भी हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सीख गए। अगला, इसी के जस्ट बाद वाला 5वां स्टेप हमने क्या देखा? हमको एक बेस बता दे, एक बेस पर बनने वाला एंगल बता दे और बाकी के 2 साइड का डिफरेंस बता दे, तो भी हम ट्राइंगल बना लेंगे। लास्ट हमने कौन सा सीखा? 6वां वाला, कि हमको तीनों साइड का सम बता दे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और 2 एंगल। कितने एंगल? 2 एंगल। पेरीमीटर बता दे, तीनों साइड का सम और बेस पर बनने वाले 2 एंगल बता दे, समझ आया, तो भी हमने ट्राइंगल बनाना सीख लिया। तो बेसिकली हमने 6 मेथड सीख लिए क्या बनाने के? ट्राइंगल बनाने के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे हम। क्या डिस्कस करना है हमको? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? पैरेललोग्राम। तो बेसिकली हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में सीखेंगे या ट्रेपेज़ियम के बारे में सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ज़्यादा पॉपुलर पैरेललोग्राम है। तो हम पहला कंडीशन ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के नाम से। जब हमको क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगनल क्या दिए हों? 2 डायगनल के लेंथ और दोनों डायगनल के बीच बनने वाला एक एंगल। किसके बीच बनने वाला एंगल? डायगनल, जहां डायगनल कटते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, जैसे ये डायगनल कटे, यहां पे इंटरसेक्शन का पॉइंट है यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे दोनों डायगनल के बीच कितना एंगल बन रहा है वो बता दिया जाए, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, समझ आया। तो हमको क्या दिया हुआ है गिवन में एग्जाम्पल नंबर 6 में? देयर आर 2 डायगनल्स और एंगल बिटवीन द 2 डायगनल्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ आया। तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, समझ गए। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, कौन सा फिगर बनाना है हमको? पैरेललोग्राम। आप एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, और देखिए हमको एक पैरेललोग्राम बनाना है। AC और BD ये दोनों उसके डायगनल की लेंथ है, ठीक है। समझने के लिए आप एक रफ डायग्राम हमेशा बना लिया करिए ना, कि कौन सी साइड क्या है, तो आपको समझ आएगी। जैसे पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया, ये मैं नाम रख रहा हूँ AB CD। तो देखो AC, A और C को ज्वाइन करो, ये क्या बन गया? डायगनल। BD, B और D को ज्वाइन करो, क्या बन गया? डायगनल। तो एक हमको BD बता दिया है, एक हमको AC बता दिया है, और हमको ये बनाना है ABCD। बात समझ में आई? और फिगर कौन सा है? पैरेललोग्राम। अब याद करिए, पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। डायगनल से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं पैरेललोग्राम की आप? डायगनल्स आर नो बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं आप क्या? हाफ हाफ टुकड़े में बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं दोनों डायगनल एक दूसरे को, समझ आई बात। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो सिर्फ डायगनल का डेटा है, तो इस फिगर को ऐसे न बना के हम लोग ऐसे बना लेंगे। ध्यान से देखिए, ये बन गया AC, ठीक है, और ऐसे कुछ DC BC बनेगा, BD। एक डायगनल ऐसे बना लेंगे, B मिल जाएगा तो इसको जोड़ देंगे ऐसे, ये क्या बन गया, ये समझ रहे हैं, दिस इज D, दिस इज B, AB CD, या B इधर दे दो, CD उधर दे दो, ऐसा है। रफ आइडिया समझ आया कैसे बनाना है, क्योंकि हमारे पास डायगनल की लंबाई, तो हम पहले डायगनल से ही शुरू करेंगे। अब हमको ये पता है कि दोनों डायगनल एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? बाइसेक्ट कर लेते हैं, यानी इस डायगनल की लंबाई देखो अगर 7 सेंटीमीटर है, इसकी AC की 7 सेंटीमीटर है, तो जब ये इसको काटेगा AC को, ये वाला डायगनल जब AC को काटेगा तो इसको कितने कितने में बांट देगा?
3.5, 3.5, तो ये टुकड़ा कितना हो गया 3.5, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट हो जाना। सिमिलरली BD का लेंथ कितना है 6, इस BD को ये भी तो काट रहा है AC, तो BD भी कितने कितने में टूट जाएगा, 3, 3 बाइसेक्ट हो गया। आया समझ में? इस तरह से हमको इसको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो एंगल दिया हुआ है ये किसके बीच का एंगल है, ये दो डायगनल दिखे आपको, एक है BD एक है AC, ये इसके बीच बनने वाला एंगल 40 डिग्री, समझ आया? तो ये दो डायगनल की लेंथ हमको पता है और दोनों डायगनल के बीच जो एंगल बनता है वो हमको पता है। तो हमको बहर कैप बनाना क्या है, ABCD पैरेललोग्राम बनाना है। समझ में आ गई बात? स्टार्ट करें बनाना। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूँ और हम लोग अपना ओरिजिनल डायग्राम शुरू करते हैं बनाना। चलिए सबसे पहले एक डायगनल बना लेते हैं कोई भी, ठीक है? तो पहले मैं AC बना लेता हूँ, और आप ऐसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे ना। ना मैं उधर बनाता हूँ और स्टेप खाली मैं बोलूँगा, आप लोग लिखेंगे, समझ गए ना? अब मैं नहीं लिखूँगा स्टेप, अब मैं बोलूँगा और आप लिखेंगे। सबसे पहले क्या बनाना है, जल्दी बोलिए। AC कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर नाप के आप अपनी कॉपी में AC बनाइए, 7 सेंटीमीटर नापिए स्केल रख के, अब कॉपी में एक लाइन खींचिए AC, दिस इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग AC, ठीक है? समझ गए? बात समझ आई? एक डायगनल हमने ड्रॉ किया और साथ में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते चलना है। क्या लिखोगे पहला स्टेप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लिख लीजिए, ठीक है? नाउ उसके बाद हमको पता है, ध्यान से देखिए, हमको ये पता है इस डायगनल, देखिए इस डायगनल के साथ दूसरा डायगनल जाएगा, कितना एंगल बनाते हुए जाएगा, दो डायगनल के बीच का एंगल 40 डिग्री है, लेकिन कहाँ से जाएगा, फिर से सुनिए, ये एक डायगनल बना, दूसरा डायगनल यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाता है, फिर से ये और ये बराबर बराबर टुकड़े में टूटता है, तो वो बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, मिड पॉइंट। तो दूसरा डायगनल वहीं से जाता है ना, मिड पॉइंट से, समझे कि नहीं? तो अगर मैं इस लाइन का मिड पॉइंट खोज लूँ तो मैं ये जान जाऊँगा कि दूसरा डायगनल उसी पॉइंट से जाने वाला है, और कितना एंगल बनाते हुए जाने वाला है इसके साथ, 40 डिग्री। तो हमको क्या खोजना है, अब क्या खोजना है, मिड पॉइंट। कैसे मिलता है मिड पॉइंट बताइए, एक लाइन का, एक लाइन का मिड पॉइंट कैसे मिलता है, आंसर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है। बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, सुनिए इधर देखो क्या ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, इसको दो टुकड़े में बांट देना। तो जब ये दो टुकड़े में बटेगा तो जो लाइन इसको क्रॉस करके जाएगी वो कहाँ से जा रही होगी, जब ये दो टुकड़े हो गए बराबर बराबर, तो कहाँ से जाएगी, अरे ये एक लाइन है, ठीक है? आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना जानते हो कि नहीं, कंपास यहाँ रखते हो, इसका आधे से ज़्यादा आर्क लेके, आधे से ज़्यादा रेडियस लेके एक आर्क इधर काटते हो, एक इधर यहाँ रख के, फिर कंपास को यहाँ रखते हो, उसी रेडियस के साथ इसको कट करते हो, इसको कट करते हो, और दोनों को क्या करते हो, ऐसे मिला लेते हो। तो एक चीज़ तो ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, समझे? और अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन थी तो ये जो पॉइंट M मिलता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, AM और BM दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल इक्वल। अगर ये 10 सेंटीमीटर का था तो ये कितने का बन गया, 5, ये बन गया 5, समझ आया? इधर देखो, अगर AM और BM 5 सेंटीमीटर के हो गए तो ये M कैसा पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे मिलता है, जब आप क्या ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझ आया? तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरा डायगनल जो है वो उसी पॉइंट से जाएगा। तो मिड पॉइंट को कैसे खोजेंगे, बोलिए क्या करना है, इसको इस लाइन का क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ताकि क्या मिल जाए, मिड पॉइंट, क्योंकि दूसरा डायगनल तो वहीं से जाएगा ना, मिड पॉइंट से, तब ना बराबर बराबर होगा। अरे भैया दूसरा डायगनल मिड पॉइंट से जाएगा तभी तो पहले डायगनल को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करने वाली लाइन हमेशा कहां से पास होती है, मिड पॉइंट से। तो इसका मिड पॉइंट खोजने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं आप जानते हैं, तो एक बार आप कंपास यहां रखिए, इस लाइन के आधे से ज्यादा रेडियस लीजिए, एक आर्क किधर मारिए, एक आर्क किधर मारिए, ठीक बात?
फिर कंपास को यहां रखिए, जिस आर्क को इधर काटा है उसको इंटरसेक्ट करिए, जिसको इधर काटा था उसको इंटरसेक्ट करिए, स्केल रख के एक लाइन बनाइए, समझ रहे हैं? और ये लाइन आपकी ऐसे बन जाएगी, इस तरह की कुछ। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका नाम हम एल रख दे रहे हैं, एल एल इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक बात। अच्छा, ये जिस पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट, समझे ना? इस मिड पॉइंट का नाम मैं ओ रख दे रहा हूं, ओ। समझ आया? आया हाँ। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे आप? कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में भी लिखिए, सेकंड पॉइंट, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल, स्मॉल एल ना, नाम क्या है? स्मॉल एल, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्मॉल एल ऑफ ए सी, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया, ठीक है, विच पासिस फ्रॉम पॉइंट ओ, विच पासिस पॉइंट ओ, विच पासिस या विच कट्स पॉइंट ओ एट ए सी, समझ आया? या विच पासिस फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन ए सी, विच पासिस, विच पासिस फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन ए सी, हो गया, हो गया। सो ओ इसे मिड पॉइंट मिल गया, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, देखो ओ ए और ओ सी बराबर, यानी ये बाइसेक्ट हो गए ना, बाइसेक्ट हो गए। हमको पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगनल होता है दूसरे डायगनल को बाइसेक्ट करता है, तो अगर एक डायगनल को दूसरे डायगनल को बाइसेक्ट करना है तो उसको कहाँ से जाना पड़ेगा? मिड पॉइंट, तो दूसरा डायगनल यहीं से जाएगा ओ से, समझे ना आप? जो दूसरा डायगनल जाएगा वो पहले वाले के साथ कितना एंगल बना के जाएगा? 40 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, आप अपना प्रोटेक्टर उठाएंगे, रखेंगे ओ पर, और इधर देखिए 40 डिग्री ऐसे बनेगा, यहां से एक 40 डिग्री की लाइन बनाएंगे, समझ रहे हैं? 40 डिग्री की एक लाइन ऐसे, प्रोटेक्टर रखिए, इसके साथ 40 डिग्री बनाइए, 40 डिग्री बन गया, इस लाइन के साथ बनाना है 40 डिग्री। ये क्यों बनाया? ताकि आपको कौन मिल जाए, कौन? मिड पॉइंट, ताकि पता चल जाए कि दूसरा डायगनल कहां से जाएगा, मिड पॉइंट से ही जाता है दूसरा डायगनल, समझ आ रहा है? जल्दी बोलो, ठीक। तो यहां से 40 डिग्री की लाइन बना, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, एक्स रख देते हैं, ठीक है, समझ आया? और ये बन गया, इसको पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, स्केल पटरी रख के ऐसे, स्केल रख के इसको पीछे भी एक्सटेंड कर दीजिए, ये वाई एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे आप कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ एंगल एक्स ओ ए, ड्रॉ एंगल एक्स ओ ए, ड्रॉ एंगल एक्स ओ ए एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, एंड एक्सटेंड, एक्सटेंड ओ एक्स, एक्सटेंड ओ एक्स, ठीक है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सटेंड ओ एक्स, ये ओ एक्स वाली रे है, इसको किधर बढ़ा रहे हैं? पीछे तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक्सटेंड ओ एक्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, समझ आया यहां तक? ये हो गया, हो गया। अच्छा, अब बताइए दूसरा डायगनल यही ना बनेगा जो 40, देखो एक डायगनल एसी है, दूसरा डायगनल जो जाएगा वो कितना एंगल बना के जाएगा? तो 40 डिग्री वाली लाइन तो यही है, तो दूसरा डायगनल यही ना हुआ, लेकिन इस डायगनल की लेंथ कितनी होनी है? 6। अब अगर 6 होनी है तो, और ये मिड पॉइंट है, तो यहां से डायगनल की लंबाई कितनी होगी? 3। और यहां से कितनी होगी? 3। भाई ये वाला डायगनल भी तो बाइसेक्ट होगा ना, देखो ये है डायगनल 6 सेंटीमीटर, है ना, ये आया एक डायगनल मिड पॉइंट से जाता हुआ, तो इस डायगनल को क्या कर देगा? बाइसेक्ट। तो इधर का टुकड़ा और इधर का टुकड़ा कितना कितना बचेगा? 3-3 सेंटीमीटर, हाफ हाफ हो जाएगा, समझ आया? सो नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या करना है? कंपास लेना है, कंपास में रेडियस कितना लोगे, कितना लेना है? ये वाला डायगनल 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर तो पूरा बनेगा ना, लेकिन ये मिड पॉइंट बनेगा, तो मिड पॉइंट से इधर का हिस्सा कितना रहेगा? 3। और इधर का हिस्सा कितना रहेगा? 3। टोटल 6। तो आपको रेडियस कितना लेना है कंपास में? 3 सेंटीमीटर ले लीजिए।
ओ पर रखिए 3 सेंटीमीटर का, एक आर्क इधर कट करिए, एक आर्क इधर कट करिए, यहां पर रखो और 3 सेंटीमीटर कंपास में ले लिए, एक आर्क आप 3 सेंटीमीटर का इधर काटेंगे और एक आर्क 3 सेंटीमीटर का इस पे काटेंगे। समझ आया, बात समझ रहे हो ना? तब ना इसकी लंबाई टोटल कितनी बनेगी, 6। इस लाइन से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ क्यों बनाया, ताकि मिड पॉइंट मिल जाए और पता चले कि दूसरा डायगनल यहीं से जाएगा, दूसरा डायगनल ये बनने वाला है। समझे, एक का नाम हम रख रहे हैं, इस डायगनल का नाम क्या होना है, बीडी, तो इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया बी, इस पॉइंट का नाम रख दिया डी, दिस इज बीडी, ये कितना है 3 और ये कितना है 3, तो टोटल बीडी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। आया समझ? हाँ, इसको नोट करिए, लिखिए अगला स्टेप। फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रॉ 2 आर्क, फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रॉ 2 आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ 2 आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ऑन ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है, विच कट्स ओ एक्स एट पॉइंट बी, विच कट्स ओ एक्स एट पॉइंट बी एंड ओ वाई एट पॉइंट डी, एंड ओ वाई एट पॉइंट डी। हो गया, लिख लिए। नाउ अगला स्टेप क्या करना है, ज्वाइन किसको किसको, ज्वाइन ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सबको ज्वाइन कर दीजिए। लिखिए ज्वाइन ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, जोड़ दिए सबको, बन गया ए बी सी डी कि नहीं बना, क्या बन गया ये पैरेललोग्राम। तो उसके अगले स्टेप में लिखिए ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। समझ गए, दिस इज अवर फिगर। आपका फिगर थोड़ा बहुत इधर उधर दिख सकता है क्योंकि मैं बिना नापे बना रहा हूँ और आप नाप के बनाएंगे। समझ गए, मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये नोट करें जल्दी से और इसको बनाने का मेथड एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें कि हमने इसको कैसे बनाया।